Very good morning, fourth class. Today we are continuing the lesson about Umana's journey seen from the window, जिसमें कि अब उसने अपने window से बहुत कुछ देख लिया है अभी तक. अभी तक उसने ये देखा कि मटगांव में जो fields हैं कितने सुंदर हैं, वहाँ पे पहाड़ है, नदी है, ponds हैं. और इसके बाद उसने देखा है एक ब्रिज, जिस ब्रिज से वो ट्रेन जो है पास कर रही है, ब्रिज के ऊपर रैटल कर रही है, नीचे उसके रिवर है. उसको बहुत मज़ा आ रहा है ये सब देखने में, बहुत एडवेंचरस लग रहा है, बहुत स्कैरी भी लग रहा है. तो आज अब क्या है, 17 मई को उसने फिर से लिखा है अपनी डायरी में 11:30 पे. अब क्या हो रहा है, द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग. लास्ट फ्यू आवर्स उसके लिए बहुत एक्साइटिंग रहे हैं, हमें तो सुन के इतना एक्साइटमेंट हो रहा है, ब्रिज के ऊपर से जाना और ये सब. तो अब आफ्टर ब्रेकफास्ट वो क्या हो गई, उसने अपना ब्रेकफास्ट किया और अपर बर्थ पे चली गई अपनी कॉमिक्स पढ़ने के लिए. हम सबको बहुत पसंद है कॉमिक्स पढ़ना, और ट्रेन में तो बहुत अच्छा लगता है टाइम पास करना बुक्स पढ़ के, बाहर देख के विंडो से. सो शी स्टार्टेड टू रीड हर कॉमिक्स. इट वॉज़ ब्राइट एंड सनी आउटसाइड. बाहर का मौसम जो है बहुत अच्छा था, साफ था और धूप निकली हुई थी, ब्राइट था. लेकिन क्या हुआ, ब्राइट था सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक से सब कुछ डार्क कैसे हो गया, अंधेरा कैसे हो गया. तो उसने देखा, ये भी देखा, ये भी महसूस किया कि थोड़ा सा जो उसका जो डिब्बा है जहाँ वो बैठी है उसमें ठंड भी बढ़ गई है. और अब उसको तो डर लगने लग गया कि भाई अचानक से क्या हो गया, अंधेरा भी हो गया, डार्क भी हो गया, पता नहीं क्या हो गया. लेकिन क्या हुआ, देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन. लेकिन थोड़ी देर बाद जो है लाइट्स ट्रेन की वो आ गई, ट्रेन के अंदर की लाइट्स तो आ गई, बट बाहर अभी भी बहुत अंधेरा था. उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. तब किसी ने कहा कि हम जो है एक टनल में घुस चुके हैं, दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन. हम इस टनल में घुस चुके हैं और ये टनल जो है बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच से जाती है. मतलब टनल जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो पहाड़ है उसको क्रॉस कर सके ट्रेन, क्योंकि जब ट्रेन क्रॉस कर पाएगी तभी तो पहाड़ के इस साइड से दूसरी साइड जा पाएगी, जहाँ पे उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है ट्रेन को. इसलिए द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन. अब तो मतलब उमाना को लग रहा था कि ये टनल ख़त्म ही नहीं हो रहा है कभी भी, बहुत ही लंबा है ये टनल. लेकिन क्या हुआ, अचानक से टनल ख़त्म हो गया और अचानक से बाहर से उसको फिर से रोशनी दिखने लगी. आउटसाइड इट वॉज स्टिल सनी ब्राइट एंड ग्रीन. बाहर अभी भी धूप निकली हुई थी, ब्राइट था और सब कुछ हरा भरा था. बस जो अंधेरा आया था वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो लोग एक टनल में चले गए थे, ट्रेन है अब टनल को क्रॉस कर चुकी थी. अपा ने उसके एक्सप्लेन किया कि हम जो है माउंटेन के दूसरी साइड पर थे और अब जो है हम दूसरी साइड पर आ चुके हैं माउंटेन के. और तब से अब तक, मतलब माउंटेन को क्रॉस करने के लिए उन्होंने अभी तक 4 छोटे छोटे टनल्स पास कर लिए हैं. तो अब उमाना को समझ में आ गया है कि कोई डरने की बात नहीं है, अचानक से कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, वो सिर्फ टनल्स के थ्रू ही गुजर रही है ट्रेन. तो अब उमाना को क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस जर्नी में टनल्स के थ्रू पास होने में और मज़ा आने लगा है. स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वीडियो. इस वीडियो में आप देखेंगे कि पहले में ट्रेन जो है एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है रिवर के ऊपर से, और दूसरे में जो ट्रेन है वो टनल से पास हो रही है, एक डार्क टनल से. सो आई होप यू एंजॉय द वीडियोज़. थैंक यू.